हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको गिवन है कि भाई इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट मास आपको गिवन है एम नॉट। क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन? रखा हुआ है हमारे हिसाब से, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ से एक फोटोन आता है। ये जो इस तरह का सिंबल है आप इसको याद रखेंगे, फोटोन को डिनोट करने के लिए यूजुअली यूज़ होता है, ऐसे विगली सा एक एरो, ठीक है। फोटोन आता है और ये फोटोन जो है लैम्डा वन वेवलेंथ का गिवन है आपको, और ये आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। क्या होगा? होगा ये भाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर तो भागेगा, और क्या होता है इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन तो आगे की ओर भागता ही है, ठीक है, और साथ साथ पीछे की ओर उस प्रोसेस में एक फोटॉन को छोड़ भी देता है। फोटॉन एब्जॉर्ब किया और एक एमिट भी कर दिया पीछे की ओर एमिट किया है लैम्डा टू वेवलेंथ का, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताओ इस इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? भाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी पता लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं और पता लगाएंगे कि भाई शुरू में तो इसकी एनर्जी कितनी थी। तो आप कहेंगे शुरू में रुका हुआ था तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? रेस्ट एनर्जी के बराबर होगी, जीरो मत कर देना, ठीक है। तो शुरू में इसके पास कुछ रेस्ट एनर्जी थी, बाद में आप सारा मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह लगा के आप कहेंगे कि भाई इसकी एनर्जी मैं पता लगाता हूँ, एनर्जी आप कुछ पता लगाएंगे, उसमें से रेस्ट एनर्जी घटाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई फाइनल एनर्जी मेरे को कुछ मिलेगी। उसमें से आप क्या करेंगे? रेस्ट एनर्जी घटाएंगे और कहेंगे ये हमारा के ई है, ऐसा कुछ करेंगे। ईजी है, हार्ड है, लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। बट आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन के बराबर। वर्क डन मतलब चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी हमको बाहर से मिल रही है वही चीज़ काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। बाहर से क्या एनर्जी मिल रही है? यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन है या जो भी है उसको बाहर से एनर्जी वो फोटोन दे रहा है, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी का हिसाब लगाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि भाई अच्छा फोटोन की एनर्जी आपको पता है लैम्डा के टर्म्स में, एनर्जी आपको पता है, तो पहले फोटोन की एनर्जी आप बताएंगे एच सी वाई लैम्डा होती है आपको पता है, और दूसरे फोटोन की एनर्जी एच सी वाई लैम्डा टू, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो आप कहेंगे कि भाई इतनी एनर्जी मैंने गेन की और उतनी छोड़ दी, जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। कितनी एनर्जी गेन की? E1 गेन की, E2 छोड़ दी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली मेरा आ जाएगा कितना? E1 माइनस E2 आएगा कि E2 माइनस E1 आएगा? तो गेन कितना एनर्जी हो रहा है ये फोटोन में जितना एनर्जी है जो कि E1 है, और फिर लॉस कितना हो रहा है इस फोटोन में E2, गेन माइनस लॉस जो बची हुई एनर्जी है वही चीज़ आपकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सिंपली आप घुमा फिरा के जाते हैं तो अब आपको ट्रबल होता, आंसर आ जाता आपका, शायद मिस्टेक भी हो जाती, बट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ सिनेरियो हम थोड़ा देर पहले देखा था, एम नॉट सी बाई टू, एम नॉट सी बाई टू, ठीक है। हमने क्या कहा था कि भाई इसका एनर्जी मोमेंटम बताइए इसके रिस्पेक्ट में, अब ये बात नहीं कर रहे। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये दोनों आके कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके क्या किया है लोगों ने, एक बड़ा मास बना लिया। अब थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन हमने किया था, हमने कहा था कि भाई एम जो है ग्रेटर देन 2m0 हो सकता है अगर लॉसेस नहीं है। तो आपको ये मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और ये मास फाइंड करना है हमको। तो आप कहेंगे शुरू में कितनी एनर्जी थी टोटल, शुरू में टोटल एनर्जी कितनी थी? तो आप कहेंगे भाई गामा, गामा कितना हो जाएगा इस केस में? तो गामा हो जाएगा
वन बाय रूट ऑफ वन माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा टू बाय रूट थ्री। ठीक है, थोड़ी देर पहले निकाला था, मेरे को याद है। ओके, सो ये गामा को यूज़ करेंगे, आप कहेंगे भाई इसकी एनर्जी बताओ, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, गामा एम नॉट सी स्क्वायर। तो गामा यानी कि, तो एनर्जी इसकी हो जाएगी ई वन, उसको पार्टिकल वन कह देते हैं, ये हो जाएगा टू बाय रूट थ्री गामा एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, गामा तो दोनों का सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगी। तो आप कहेंगे इसके लिए, इसका मतलब शुरू में हमारे पास टोटल एनर्जी जो रखी है वो टू बाय रूट थ्री एम नॉट सी स्क्वायर का डबल, यानी कि फोर बाय रूट थ्री एम नॉट सी स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, फाइनली एनर्जी कितना होगा अगर ये कैपिटल एम का लंप बन जाता है, तो ये किस स्पीड पे, तो हमने कहा कि भाई ये रुका हुआ है, रुका हुआ क्यों होगा, अगर अटैच हो गए, अगर दोनों जुड़ गए हैं तो रुकना ही पड़ेगा, अदरवाइज मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये रुका हुआ है और इसका मास कैपिटल एम हमको फाइंड करना है, तो इसके पास एनर्जी कितना होगा टोटल एनर्जी, तो आप कहेंगे रेस्ट एनर्जी बस बचेगा एम नॉट या मास एम सी स्क्वायर, तो कैपिटल एम आपके पास सिंपली आ जाएगा फोर बाय रूट थ्री एम नॉट। ठीक है, ओके, सो ये सारा सिस्टम है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन हमने यूज़ किया है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है एनर्जी और मोमेंटम में फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर। ठीक है, और एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें फोटोन को भी इंट्रोड्यूस किया है, फोटोन के मोमेंटम एनर्जी के बारे में बात की है, फोटोन या मासलेस पार्टिकल इन जनरल, किसी भी मासलेस पार्टिकल के बारे में ये बात कही जाती है, और हमने एक केस लिया था जिसमें न्यूट्रॉन को मासलेस पार्टिकल माना था। अब न्यूट्रॉन मासलेस पार्टिकल नहीं होता, आपको पता है, आपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी होंगी, कुछ उसका मास होता है, बहुत माइन्यूट मास होता है, बट होता है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट हिस्ट्री में भी हम लोग मान के चल रहे थे कि न्यूट्रॉन एक मासलेस टाइप की चीज़ है, सॉरी न्यूट्रिनो एक मासलेस टाइप की चीज़ है, मासलेस पार्टिकल है, और बाद में हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसका मास वगैरह पता लगाया। एनीवेज, सो आज जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए हैं, एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन से रिलेटेड किए हैं, उसके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, और फोटोन की बात हम लोगों ने की, मासलेस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है, और मोस्टली एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन है। ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है न्यूटन से, और हाँ ये भी हमने कहा कि भाई ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पे इनइलास्टिक इलास्टिक कोलिजन इस तरह की बात की जाती थी, यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड मान लेते हैं एनर्जी कंजर्व्ड है, और एनर्जी कंजर्व्ड मानते हुए हम कहते हैं कि भाई हो सकता है टोटल मासेस चेंज हो सकती है, ऐसे दो केस हमने डील किए। ठीक है, ओके, सो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मंडे को।